गणपति बप्पा मोरिया। गणपति जी का फेटा बनाने के लिए मैंने सबसे पहले क्या किया है, पेपर को हमने जिग जैग फोल्ड किया है और वही हम क्लॉथ के ऊपर पेस्ट कर देंगे। फिर हम क्लॉथ को कट करेंगे एंड फिर से हम फोल्ड कर लेंगे जैसे हमने पेपर का पहले किया था। एंड ये हमारे लिए बहुत इजी हो जाएगा, इससे जो फेटा है ना उसमें बहुत अच्छे से लाइंस आएंगे और बहुत ज़्यादा हमारा रेडीमेड लगेगा जैसे हमने बाहर से ख़रीदा हो वैसे। और फिर यहाँ पर हम स्टेपल कर देंगे। फिर हम क्या करेंगे, एक कार्डबोर्ड ले लेंगे या फिर कोई भी हार्ड पेपर लेंगे और उसको इस शेप में कट करेंगे और उसके ऊपर भी हम क्लॉथ पेस्ट कर देंगे हर एक साइड से। अब फेविकॉल भी यूज़ करोगे तब भी चलेगा, मैंने फेविकॉल ही यूज़ किया यहाँ पर। फिर दोनों पेपर्स को हम स्टेपल कर देंगे, आप चाहे तो इसको पेस्ट भी कर सकते हो आगे और पीछे से। फिर ये जो हमने बनाया है तो उसके ऊपर हम लेस लगाएंगे गोल्डन, एक साइड में हम लाइट लेस लगाएंगे और दूसरी साइड हम थोड़ा सा हैवी डिज़ाइन वाली लेस लगाएंगे ताकि मतलब थोड़ा सा अलग लगे। फिर हम क्या करेंगे, जो पेपर क्लिप्स होते हैं उसकी हेल्प से हम ये अटैच कर देंगे फेटे के साथ। और फिर जो डेकोरेशन के लिए हम यूज़ करेंगे फेटे को डिज़ाइन लगाने के लिए, वो भी हम खुद से बनाएंगे। तो उसके लिए हमने ग्लिटर पेपर लिया और जो राइनस्टोन चेन होते हैं उसको हमने शेप दिया और फिर डबल टेप से पेस्ट कर दिया। तो फेटा हमारा रेडी हो गया। पसंद आया तो लाइक करना और कमेंट भी करना।